अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें माह पवित्र में नेकियाँ इकट्ठी की जाएँ, और जब भी दुआ करें दुआ में अपने तमाम उसातज़ा को लाजमी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जिनसे लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने लेबर इस्लाहात और ज़रई इस्लाहात पढ़े, किस तरह भुट्टो ने पूरे के पूरे मुल्क का निज़ाम सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर तब्दील कर दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनलाइजेशन के सदर तलीम कांग्रेस और तजारत का रास्ता। नेशनलाइजेशन जैसे कि आप लोगों को पहले पता कि उसने जितने भी निजी अदारे थे, प्राइवेट कंपनीज थी, प्राइवेट बैंक थे, उन सबको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, मतलब कौमी तहरीक में। अब कौमी तहरीक में चीज़ों को लेने से क्या साथ मतलब हो, आपको पता है कि जहां पर फूल होते हैं वहां पर साथ साथ कांटे भी होते हैं। सो जहां पर हमें कुछ पॉजिटिव आस्पेक्ट नजर आएंगे वहां पर साथ साथ हमें कुछ नेगेटिव आस्पेक्ट भी पढ़ने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम नेशनलाइजेशन के असरात है उस सनत के ऊपर बताएंगे कि सनत के ऊपर किस तरह उसके मुस्बत और मनफी असरात मुअत्तर हुए नेशनलाइजेशन के कौमी तहरीक में लेने के बाद। सनत को कौमी तहरीक में लेने के बाद उसमें क्या उस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमें सामना करना पड़ा। सबसे पहले नंबर पर मुस्बत असरात का 1972 की लेबर इस्लाहात से सनती मजदूरों का इस्तेहसाल खत्म हुआ, उनकी उजरतें उजरते मतलब तनख्वाही बड़ी और दूसरी मदाद होना जो दूसरी उनको सहूलतें मिलती थी, जो बोनस हमने पड़ा कि भाई उनको साल भर बोनस मिलेगा, इसी तरह जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा उसकी उजरत दी जाएगी, ओवर टाइम करेगा तो उसको मतलब एक हर एक चीज में इजाफा होगा। सनदी अदारे हुकूमत को पूरी टैक्स और ड्यूटी अदा करने लगे। सारी बात है, जब कोई चीज हुकूमत की तहरीर में आ जाएगी तो दे हैव टू पे, मतलब उनको हर एक चीज के बारे में हुकूमत को बताना पड़ेगा, वो टैक्स देने लगे और वो टैक्स जो उनसे थे वो कहाँ पर शामिल कर लगे, कौमी आमदनी में। कौमी आमदनी से मतलब कौमी पैसे, जिससे कौमी आमदनी में इजाफा हुआ और मुल्क तरक्की की राह पर गामसन हुआ। तरक्की की राह पर गामसन होने से मुराद है तरक्की की राह पर चलना। मजदूरों के साथ मिल मालिकानों का रवैया बेहतर हुआ, जैसा कि हमने लेबर इसका आगे पढ़ा था, शॉप स्टेटमेंट का एक अहदा बनाया गया था, जिसकी वजह से अगर मजदूरों को कोई भी मसला होता था वो जाके मिल मालिकान के साथ बात करते थे। हड़तालों की तादाद बतदरीज मतलब बनिस्बत पहले से बहुत ज्यादा कम हुई। सनदी असासों पर सिर्फ 22 खानदानों का कब्जा था, जो खत्म हुआ वो सरमायादार तबके की हौसला शक्नी हुई। हौसला शक्नी से मुराद है हौसला पस्त होना, हौसला टूटना, जैसे कि हमने पहले ही दिन लेक्चर में पढ़ा था कि मुल्क का पाकिस्तान का जो इंसान ज्यादा से ज्यादा निजाम था वो उन 22 खानदानों में से था, उन 22 खानदानों की मैं उन्हें मिलना थी पाकिस्तान चला था, लेकिन सुबह ऐसा नहीं किया, उन सबके पासपोर्ट जब्त किए, उन सबके जो से है असासों को जब्त कर दिया। सनदी 5वां पॉइंट बेटा, सनदी अदारे हुकूमत की तहरीर में आने से हुकूमत के लिए सनदी अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखना आसान हो गया। जैसे ही वो सनदी अदारे हुकूमत की तहरीर में आए, मतलब जितनी भी सनद में जितनी भी प्रोडक्ट्स बनी थी वो सारी की सारी किसके अंडर थी, हुकूमत के अंडर थी, और उनकी जो सी कीमतें थी उसको भी कंट्रोल कर लिया गया, मतलब जो ज्यादा ही एक्सपेंसिव थी उसको भी कंट्रोल कर लिया, ताकि आम आवाम गरीब आदमी या आम आदमी भी इसको परचेज कर सके। तो इस आगे बेटा इसके है मनफी असरात, सनद को कौमी तहरीर में लेने से सरमायादारों ने पाकिस्तान में सनदें लगाना कम कर दी, जिससे सनद की तरक्की का अमल सुस्त हो गया। सनदों को जब कौमी तहरीर में ले लिया गया, जैसा कि आपको ऊपर बताया पहले भी हमने पढ़ा कि 22 खानदानों की गिनती है सनदें जितनी भी थी पाकिस्तान में, जितनी भी सनदें लगी थी उमूमन इनके, और जब इनसे जो सनदें छीन ली गई उनको नेशनलाइज कर दिया गया, तो अब इनको ने सरमायादारी करना कम कर दिया, मतलब खत्म ही कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि जितने भी हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे उनमें से इनको तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, फायदा किसको होगा, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी हुकूमत को होगा। सनदी अदारों को तकलीफ में लेने से हुकूमत के खर्चात में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। सारी बात है, अगर आप एक सनद को रद्द कर रहे हैं तो आपको एक सनद के लिए ही अपना चार्ज करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 5-6 साल के 8 साल तक रन करने लग जाते हो तो
सवारी वाला आपको उसके मुताबिक मजदूर भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, हर एक चीज। तो इस तरह सड़कों को कौमी तहवील में लेने से हुकूमत के ऊपर भी काफी ज्यादा बर्डन है। मजदूर यूनियन में सियासी आजादी का भरपूर फायदा होता है और आए दिन मजदूर के इजाफे के लिए हड़तालें और मुजाहरे होने लगे, जिससे मजदूरों की कारकर्दगी मुतासर। सियासी आजादी से मुराद, जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में भी मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, वैसे एक तब भी थी, तो एक जो सा ओहदा बनाया गया था मजदूरों के लिए, मतलब जैसे कि हमने लेबर का आपने पढ़ा था, उसने काफी ज्यादा मजदूरों को अच्छे इकदाम किए थे, मजदूरों के लिए काफी ज्यादा उनको फैसिलिटेट किया था, लेकिन उन्होंने उसका नजायज फायदा उठाया। नजायज फायदा कैसे उठाया कि बहुत रोज हालों से मुराद आए दिन दो या तीन दिन बाद कुछ सियासी लोगों के साथ मिलकर, अपोजिट पार्टी के साथ मिलकर उसकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने शुरू करते थे। वो नारे किस सेंस में होते थे, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली, क्या कि उनकी मदद नारे थे, उन्हें बोनस ज्यादा दिए थे, उनके तनख्वाह ज्यादा दी थी, और जिसकी वजह से सारी बात जब हड़तालें होंगी, फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ेगा, मजदूरों को काम करने से रोकना पड़ेगा, मजदूर काम पे नहीं आएंगे, तो इनडायरेक्टली जो सब होगा या डायरेक्टली सड़क के ऊपर असरात मुरतब होंगे। सारी बात है जब वहाँ पर लोग काम नहीं करेंगे तो उसे प्रोडक्ट में कैसे मिलेगी। सड़क की इलाकों में जरूरत से ज्यादा सियासी हमले बढ़ती हुआ, जिसको काम से ज्यादा मदद से दिलचस्पी, जैसे कि दौरे वाजन में भी ऐसा ही कि जिनके सियासी रस्म रसूम ज्यादा हो वो ज्यादा अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं, चाहे उनको आता कुछ ना हो। सेम वैसे ही तब भी था, सियासी हमला मतलब जिनके सियासी मेल जोल था वो फैक्ट्रीज में आ जाते और उनका जो सा फैक्ट्री में तो आ गए, लेकिन उनका जो सा सबसे मेन कंसर्न होता था वो मुलाहत होता था कि किसी न किसी तरह उनको बैठे बैठे पैसे ज्यादा मिल जाए। 10 दिन के अंदर उनके जो उसके बाद 10,000 है बिगनिंग में, वो 10 दिन के बाद 15,000 हो जाए, मतलब इस तरह के काम शुरू होने, इस तरह काम की इस्तेदाद, काम की तरक्की सॉरी तैयारी का मिकदार रोज बरोज कम होती चली गई। सड़कों के तनख्वाहदार अफसरान ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना किया, जिससे मुल्क में बदअमानी फलोत पाने लगी, क्योंकि सारे के सारे जितना भी अमला था, जितने भी मजदूर उस फैक्ट्री में काम होते वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अंदर होंगे, तो उनकी तनख्वाहें किसने देनी थी, गवर्नमेंट ने देनी थी। जैसे कि अभी भी आपको पता चल रहा है गवर्नमेंट मुलाजमी है, उनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट ने देनी है, चाहे वो काम करें या ना करें। सेम ऐसे ही तब होने लगे जो अफसरान थे फैक्ट्री या मिल के मालदान थे, जो अच्छे दर्जे पर अच्छे पोस्ट पर थे, उन्होंने क्या किया, तनख्वाह भी लेकर उनका कंसर्न था, बाकी उन्होंने कोई काम नहीं किया। और यहाँ पर बदनमानी का वर्ड आया, बदनमानी का मतलब होता है करप्शन करना, रिश्वत लेना, मतलब बगैर किसी कोई ऐसा शख्स जो उस अहदे को डिजर्व नहीं भी करता उसको भी वो अहदा देता है। सरकारी जमीन में होने की वजह से बहुत कम पैदावार देने वाले यूनिट भी चलते रहे, जिससे कौमी खजाने पर बोझ पड़ता था। जैसे कि सारे के सारे आपको पता है कि फैक्ट्रीज उन्होंने अपने कब्जे में ले ली, अब सारी बात जो फैक्ट्रीज प्रोडक्ट ही कुछ नहीं देगी, लेकिन उसमें मजदूर भी हैं, उसको रन करने के लिए उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चाहिए, गैस बिल भी चाहिए, उसमें जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल वो सबके सब करने हैं, तो उससे उतनी प्रोडक्ट मिल नहीं रही, उससे उतना कुछ हासिल नहीं हो रहा जितना उसके ऊपर लागत हो गया, इस वजह से भी कौमी खजाने पर काफ़ी बोझ पड़ा। आगे बैठा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है तालीम, तालीम के ऊपर नेशनलाइजेशन के क्या मुस्बत असरात क्या थे। सरकारी लोगों ने 1972 में मुल्क के बेशतर मतलब ज्यादातर निजी तलीमी अदारे जो प्राइवेट तलीमी अदारे थे कौमी के लिए मिले, कौमी कब्जे में, इन अदारों में काम करने वाले साथ और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम थी, कौमी आने से प्राइवेट तलीमी अदारे के मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर सहूलतें सरकारी तलीमी अदारे के बराबर होंगे। कौमी आने से मुराद होता है जो कौम का पैसा होता है, जो हम टैक्स में अदा करते हैं, ये हुकूमत के पास जो जमा होता है उसको कौमी आना चाहते हैं। तो उन्होंने बुड्ढो हुकूमत ने क्या किया कि जितने भी प्राइवेट स्कूलों में टीचर थे या जितना भी दूसरे का दूसरा अमला था उन सबको क्या कर दिया, गवर्नमेंटाइज कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, कौमी के लिए ले लिया। और जाहिर बात है जब कोई गवर्नमेंट के अंदर हो जाता है तो उसकी तनख्वाहों का बंदोबस्त भी किसने करना होता है, गवर्नमेंट ने ही करना होता है। इस तरह जो इनसे प्राइवेट स्कूलों के उस्तादा थे वो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, गवर्नमेंट के मुलाजिम होंगे। मुल्क के तलबा को बसों और रेलगाड़ियों के दौरान खसूसी राय दी गई, जिससे गरीब वालदैन भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए भेजने लगे। तलबा के वसाइल में 4 पांच साल
स्कॉलरशिप का कौन सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जब से आप लोग को सुनते हो कि बच्चे गर्ल्स यहाँ बॉयज स्पेशली यहाँ ऑब्वियसली गर्ल्स भी जो दूर दराज इलाकों में पढ़ने जाते हैं उनको लोकल ट्रैवल करते हैं सॉरी लोकल ट्रैवल करते हैं तो वो जन से वो आधा कराया देते हैं या भाजपा का स्टूडेंट बिल्कुल भी कराया नहीं देते। तो ये सारे का सारा ये जो तंजीम या तहरीक चली थी या फोटो के तौर पर मेडिकल इंजीनियर और दीगर पेशा बनाने के लिए वस्ती क्लाइम करके हर शोभा जिंदगी में तरक्की की रफ्तार तेज से तेज तर करने का प्रोग्राम बनाया गया। कॉलेजों की यूनिवर्सिटी में तब्दील करके आला तलीमी तालीम के दरवाजे खोले गए। कम दर्जे वाले स्कूल को अपग्रेड किया गया मतलब कि गुटों ने जो था यूनिवर्सिटी को कॉन्सेप्ट दिया इसने कहा कि तालीम को फरोग देना चाहिए। पहले लोग का जो सा कॉन्सेप्ट था वो ही मेंटली थे मतलब मेंटली जो प्रिपेयर होते थे मैट्रिक के लिए या मैक्सिमम इंटरमीडिएट या बीए के लेवल तक चले गए। इसने यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया और लोगों को कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा अच्छी हमारी तालीम होगी हम उतने ही ज्यादा अच्छे अपने कौम के लिए होंगे बहसीयत इंसान अपने मुआशरे के लिए होंगे और अपने खानदान के लिए होंगे। जो उनसे कम दर्जे वाले स्कूल थे मतलब जो स्कूल प्राइमरी था उसको सेकेंडरी कर दिया जो सेकेंडरी था उसको हायर कर दिया ठीक है। मतलब इस तरह इसने तालीम के लिए एकदम उठाया मुल्क भर में स्कूल उसातजा की तरबियत के लिए तरबियती अदारे खोले गए। बेशुमार गैर तरबियत याफ्ता उसातजा को तरबियत दी गई मतलब कुछ उसातजा जो उनसे बढ़ने किए गए थे उनको अच्छे से कि बच्चों को किस तरह अच्छे से सिखाया जाए या पढ़ाया जाए तो उसातजा के लिए भी तरबियत कैंप लगाने चाहिए उसातजा की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के क्याम की मंजूरी दी गई जिससे तलबा को रेडियो टीवी पर बजरिया खतों किताब टॉप के जरिए तरीन के मौके मिले। इसके अलावा तलीम पालवान के मराकज भी खोले। तलीम पालवान से मुराद है लड़के और लड़कियों की जिनसी तलीम होती है उसको तलीम पालवान कहते हैं। पर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आप उनको पता है कि जहाँ हम घर पर बैठे बैठे अपने जो भी सब्जेक्ट है आपके अब तक तो उन्होंने एम फिल तक के प्रोग्राम को जो अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने ओपन कर दिया है ठीक है। सो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था। इंशाल्लाह जो इसके मंथ के साथ है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे तो वो आप लोग को समझ आती होगी। इसके बारे में कोई भी मेरा मसला हो या कोई भी कॉन्सेप्ट या किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जब हम लेक्चर स्टार्ट करें तो उससे पहले पहले मैं आप लोग को समझा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।